थोड़ा आगे बढ़े, कफ की सूची मैंने बताई आपको। कफ में सबसे अच्छी चीज है गुड़, गुड़ के बाद दूसरे नंबर पर है शहद। जैन है तो शहद मत खाइए, ये मेरी भी विनती है आपको, क्योंकि नहीं तो मैं पाप का भागीदार बनूंगा जो आपसे कहूं कि शहद खाओ, और मुझे तो मोक्ष में जाना है तो पाप की गठरी क्यों ला दूं। तो आप जैन है तो बिल्कुल शहद मत खाइए, अजैन है माने जैन नहीं है तो आप कोशिश करिए कम से कम खाएं, ना खाएं तो और भी अच्छा, क्योंकि अपने पास शहद का विकल्प है गुड़। जब गुड़ ना रहे तब सोचें। इसी तरह कफ को कम करने की और क्या चीज है अपने रसोई में। कफ को कम करने की दूसरी जो सबसे अच्छी चीज बताई भागवत जी ने वो है सौंठ। सौंठ, सौंठ का ही एक दूसरा रूप है अदरक। अदरक से अच्छी है सौंठ। कारण क्या है? अदरक जब सूख जाता है तभी सौंठ बनती है, और अदरक का सूखने के बाद गुण बढ़ जाता है। हाँ, ताजा अदरक है ना, उसका गुण जितना नहीं है, सूखे हुए अदरक माने सौंठ का गुण लगभग 100 गुना बढ़ता है। इसलिए सौंठ अदरक से हमेशा अच्छी है। तो कफ खत्म करने के लिए रसोई घर में एक हो गया गुड़, दूसरी हो सौंठ, सौंठ का ऑब्लिक अदरक। अब तीसरी चीज जो सबसे अच्छी, पान। पान माने पान का पत्ता, जो आप पान खाते हैं ना पान, ये कफ दूर करने की सबसे उत्तम औषधि। लेकिन पान भी वही चक्कर आएगा, कौन सा पान? जो गहरे रंग का। हर चीज में ये नियम है, गहरे रंग का। गहरे रंग का आप उसको कहो जी देशी पान, तो देशी पान। गहरे रंग का पान जिसका रंग बहुत गहरा हरा, एकदम काला जैसा हो तो और भी अच्छा। ये पान कफ नाशक है, बहुत ही जबरदस्त चीज है ये पान। और पान और सौंठ का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। पान खा रहे हैं तो सौंठ डाल के खा सकते हैं, अदरक डाल के खा सकते हैं। जैन है तो सौंठ खाइए, नहीं है तो अदरक खाइए। पान, अदरक, सौंठ और ऊपर से आया गुड़। गुड़ भी मिला के पान में खाया जा सकता है। वो आप डालते ना गुलकंद, गुलकंद, गुल गुल गुलकंद। गुलकंद माने क्या है? गुलाब के फूल, उसकी पंखुड़ियां, उसका तो रस या उसका कुछ प्रिपरेशन प्रोसेस से, ये भी सबसे ज्यादा कफ नाशक है। अब आप देखो जो जो चीजें पान में पड़ रही हैं वो सब कफ नाशक है। पान बनाने वाले सब बागभट्ट के चेले, बिना जाने ये काम कर रहे हैं। गुलकंद आपको पान में डाल के दे रहे हैं। सौंफ, सौंफ, सौंफ ये भी कफ नाशक है। सौंफ, फिर उसके आगे मैं बता रहा हूं प्रायोरिटी से, सबसे अच्छा कफ नाशक गुड़, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। अब सौंफ के नीचे जिसका नंबर है वो है लौंग। लवंग कहिए, लौंग कहिए। और ऐसे ही ये सूची बढ़ाते जाएं तो इसमें करीब 100 चीजें हैं जो कफ नाशक हैं हमारे रसोई में। ठीक है,